बिहार के शिक्षा मंत्री द्वारा रामचरितमानस और हिंदू संस्कृति की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से किए गए गलत बयानबाजी से हिंदुओं की भावनाओं को काफी ठेस पहुंचने पर जन आक्रोश फैल रहा है। बता दें कि शनिवार को इलाइट चौराहे पर राष्ट्रभक्त संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंचल अर्जरिया के नेतृत्व में दर्जनों लोगों ने बिहार के शिक्षा मंत्री के द्वारा रामचरितमानस पर की गई टिप्पणी पर कड़ी निंदा की और बिहार के मंत्री का पुतला जलाकर आक्रोश व्यक्त किया। इसके साथ जिला प्रशासन को ज्ञापन देकर रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग की। इस दौरान अंचल ने बताया कि बिहार के शिक्षा मंत्री ने गलत बयानबाजी कर हिंदू भावनाओं को भड़काने का काम किया है, जिससे जन आक्रोश बना हुआ है। इस दौरान दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज इलाइट चौराहे पर हम लोगों ने बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का पुतला दहन किया है। चंद्रशेखर के द्वारा उत्तरकांड में जो दोहा है उसकी गलत व्याख्या की गई है। वह दोहा जो हमारे काकभूषुंड जी हैं, जिनको शंकर जी ने रामचरितमानस रामायण सबसे पहले ज्ञान दिया और जिनके द्वारा लिखी गई, वो काकभूषुंड जी अपने पूर्वजन की कथा सुना रहे हैं कि हमने जो है अपने गुरु का अपमान किया तो उसको लेकर कि भोलेनाथ हमसे नाराज हो गया, जबकि गुरु ने प्रार्थना भी की शंकर भगवान से, जो प्रार्थना सब लोग जानते हैं नमामि शमीशान निर्वाण रूपम लिखी गई है, वो उनके गुरु के द्वारा, जिससे कि काकभूषुंड जी का जो दोष है वो खत्म हो जाए उसके लिए की गई। लेकिन भोलेनाथ ने फिर भी उनको श्राप दिया और उन्हें नीच कौए की योनि में आना पड़ा, जिसको लेकर के वो चौपाई लिखी गई है, जिसकी उन्होंने जातियों के आधार पर व्याख्या की है। खुद पांचवी पास हैं, जानते हैं नहीं, इस तरह की व्याख्या निश्चित रूप से सनातन संस्कृति का घोर अपमान है। उनके खिलाफ में हम तहरीर दे रहे हैं मुकदमा दर्ज करने की, और मुकदमा दर्ज कराएंगे उनके खिलाफ में, और उनका पुतला दहन भी आज राष्ट्रवाद संगठन के द्वारा किया गया है। इस प्रकार के जो नेता हैं जो भारतीय संस्कृति का, हिंदू संस्कृति का, सनातन संस्कृति का अपमान करते हैं, उनका संपूर्ण हम अपील करते हैं संपूर्ण हिंदू जनमानस से कि ऐसे नेताओं का बहिष्कार करें, जिससे कि ये सही लाइन पर आए और इनको चुनाव हराने का काम करें। झांसी से गोलू महाराज के साथ धीरज शिवारे की रिपोर्ट।